आज हम सीख रहे हैं HTML को यूज करते हुए हम टेबल कैसे बना सकते हैं। जैसे वर्ड में हम टेबल बनाते थे, तो इसमें कैसे बनाएंगे ताकि हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकें। तो यहाँ से हम चले गए अपने उस फोल्डर के ऊपर जो हमने बना के सेव किया हुआ था, वेब के नाम से हमारा फोल्डर है। वेब के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से हम चले गए सनशाइन वाले फोल्डर में। सनशाइन वाले फोल्डर में जाने के बाद कहाँ चला गया, एप्पल सनशाइन का फोल्डर था, एप्पल 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 सनशाइन, इसमें चले गए और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से शुरू करना है, तो एक नई फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं उसको, और उसका नाम रख देते हैं टेबल इन, बस ठीक है, टेबल डॉट HTML। ठीक है, ये एक वेब पेज सेव हो गया, और यहाँ से शिफ्ट के साथ वन के साथ ये बेसिक कोड ले लिया, और यहाँ पे हमने इसके टाइटल भी लिख दिया क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल इन HTML। सही, सेव कर दिया, राइट बटन दबाया, यहाँ से रिवील एंड एक्सप्लोरर कर दिया, रिवील इन एक्सप्लोर करके राइट बटन दबा के यहाँ से ओपन विथ कर दिया, और यहाँ से गूगल क्रोम पर चले गए, यहाँ से इसको निकाल के अलग कर दिया, ये हमारे पास अलग आ गया पेज, और ये आ गया हमारा फ्री स्पॉट। ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए जो आपको बेसिक एलिमेंट लिखना है, तो पहले हेडिंग बना देता हूँ मैं इसको H1 करके, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मतलब टेबल्स इन HTML। तो इसमें कौन कौन से जो इसके एलिमेंट यूज होने वाले हैं, तो सबसे बेसिक एलिमेंट है टेबल बनाने के लिए टेबल। इससे वेब पेज को ये मैसेज जाएगा कि अब यहाँ पर एक टेबल बनने वाला है, अभी दिखाई नहीं देगा। तो टेबल के साथ हमारे ख्याल याद रखें, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट यूज होगा, जिसके बाद आप डिसाइड करेंगे कितने बॉर्डर इसमें है। विदाउट बॉर्डर भी बन सकता है, बॉर्डर भी बन सकता है, हम 2 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा डॉट नजर आएगा, इससे पहले डॉट नजर नहीं आ रहा था। तो अब आप कैसे शुरू करेंगे, देखें टेबल के अंदर जब हम वेब पेज पर टेबल बना रहे होते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्रिएट होती है रो। क्या क्रिएट होती है? रो। तो एक रो क्रिएट करने के लिए TR का टैग लिखेंगे, ओपन एंड क्लोज होगा, ये पहली रो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब रो के अंदर कितने आपने कॉलम बनाने, उतने TH या TD यूज करेंगे। TH फॉर टेबल हेडिंग, तो अगर टेबल हेडिंग यूज कर रहे हैं तो आपने किस तरह का टेबल इसके अंदर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग का टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, और सीरियल नंबर लिखने के बाद इसके नीचे दोबारा सेंटर किया, और यहाँ पे एक और TH लिया, उसके आगे लिखा हमने प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से क्लिक करके TH किया, और यहाँ पे लगाया हमने प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीवरी डेट। ठीक है, डिलीवरी डेट लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये उतने कॉलम्स इसमें इस तरह से बन चुके होंगे, यानी कि एक रो के अंदर 4 कॉलम, तो 4 TH ने 4 कॉलम प्रोड्यूस किए। आप जितने ज़्यादा TH इस एक रो के अंदर लिखते जाएंगे, उतने ज़्यादा कॉलम बनते चले जाएंगे। अब टेबल का एलिमेंट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे क्लोज है, रो आपकी पहली ये है, यहाँ क्लोज है, और ये इसके अंदर 4 कॉलम है। अब इस पहली रो के क्लोज करके सेकंड रो पर आएंगे आप यहाँ पे, और इसमें अब नॉर्मल डेटा एंट्री के लिए आप यूज करेंगे TD। TD और TH में क्या फर्क है भी समझ में आ जाएगा। सीरियल नंबर आपने 1 लिखा, और अगले सेल की एंट्री करने के लिए कॉपी एंड देन पेस्ट कर दिया आपने इस तरह से 4, तो यहाँ पे देखिए 4ों की एंट्री आ जाएगी। अब TH और TD में यह फर्क है, TH का जो डेटा होगा बोल्ड होगा और सेंटर होगा, और TD का डेटा जो होगा अनबोल्ड होगा और लेफ्ट अलाइन होगा, बस ये फर्क है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट का नाम, सपोज टू बी आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नाम, लिखा हमने लैपटॉप डेल 1510। ठीक है, i5, और ये लिख के हमने यहाँ पे रख दिया, और इसकी प्राइस जो है हमने यहाँ पे लिख दी 55,000। ठीक है, और यहाँ पे लिख के ओके कर दी, और यहाँ डिलीवरी डेट में आपने एक डेट डाल दी, सपोज टू बी 7 अगस्त 2024। ठीक है, सेव कर दिया आपने, रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह का डेटा एंटर हो गया इसका। ठीक है, अब बार बार यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, तो इसी रो को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे, लैपटॉप डेल की जगह पे HP कर देते हैं, मॉडल उसका चेंज कर देते हैं, G4 कर देते हैं, और यहाँ पे i5 कर देते हैं, और प्राइस इसका 57,000 रुपये कर देते हैं, और यहाँ पे जो डिलीवरी डेट है उसकी चेंज करके 9 अगस्त 2024 कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह से डेटा ऐड हो जाएगा, सही, और इस तरह आप इसको जैसे चाहे वाइस वर्सा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेबल के एट्रीब्यूट्स की तरफ। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाएंगे तो फिर टेबल जो है आपको बॉर्डर दिखाएगा। अगर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट नहीं लगाते, सिर्फ टेबल लिखेंगे, तो यहाँ आप नोट करेंगे कि टेबल भी आपको नजर, बॉर्डर आपको नजर नहीं आएंगे, टेबल मौजूद है। ठीक है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर देने 1 पिक्सल 2 पिक्सल 20 पिक्सल जितना बॉर्डर देना है आप इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर तो इस तरह से लग जाएगा। दूसरा आता है सेल स्पेसिंग,
ये एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं सेल्स के दरमियान में स्पेस देने के लिए। गौर से देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इनके दरमियान में स्पेस दे रहा है, दिख रहा है आपको स्पेस, इनके बीच का स्पेस। इस स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए सेल स्पेसिंग में वैल्यू डालेंगे, 5 पिक्सल लिख देंगे तो इनमें 5 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है, और बढ़ा के अगर 15 पिक्सल कर देंगे तो 15 पिक्सल का इनके दरमियान में सेल में गैप आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद आता है सेल पेडिंग। सेल पेडिंग ये एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं अभी देख लेते हैं। सेल पेडिंग हम जब यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप नोट करें, ये आपका एक सेल है और ये इसके अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट और सेल के दरमियानी गैप को बढ़ाने के लिए सेल पेडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देख लें, आप अगर 5 पिक्सल की एक वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर तो 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल का गैप आ जाएगा इसके अंदर, और अगर आप उसको बढ़ा के 15 पिक्सल कर देते हैं तो इनमें भी 15 पिक्सल का चारों तरफ से गैप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास सेल विड्थ। तो विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उसको कैसे डील करेंगे, अभी हम 100% पे अपने पेज को रखते हैं, 100% पे, तो ये हमारा टेबल इतना बड़ा आ रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं मेरा टेबल पूरे पेज पे फैल जाए, तो उसके लिए मैं विड्थ में एक वैल्यू डालूंगा 100% की। इसको वैल्यू को परसेंट में भी डाल सकते हैं, पिक्सल में भी डाल सकते हैं, तो जैसे ही मैंने डालूंगा देखें पूरे पेज पे ये अपडेट हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ, आधे पेज पर आए तो 75% की एक वैल्यू डाल दूंगा, क्वार्टर पेज पर नजर आएगा, ठीक है, और अगर उससे 50% कर दूंगा तो ये आधे पेज पर नजर आएगा, और 25 कर दूंगा तो बिल्कुल तीसरे हिस्से पे नजर आ रहा होगा ये। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अच्छा इसी को परसेंट के साथ भी कर सकते हैं, इनको पिक्सल में भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 560 पिक्सल, तो 560 पिक्सल आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 750 पिक्सल, तो ये 750 पिक्सल पे इस तरह से मुझे नजर आएगा। मतलब एक एक दो दो पिक्सल बढ़ा के भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब 25 पिक्सल पे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और 25 पिक्सल पे कुछ ये ऐसा नजर आएगा, और इसको अगर बढ़ा के 860 पिक्सल कर दूंगा मैं तो पिक्सल लिखना लाजमी होगा, और उसको रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये ऐसा नजर आएगा। फिर एक एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर हाइट का। हाइट का एट्रीब्यूट कैसे काम करेगा, CIGHT हाइट इक्वल टू डबल क्वेश्चन, सपोज 400 पिक्सल मैंने इसकी हाइट कर दी तो इसकी हाइट बढ़ के 400 पिक्सल हो गई, और अगर इसको 800 पिक्सल कर दिया तो ये 800 पिक्सल भी लॉन्ग हो जाएगा, ये इस तरह से भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 80 पिक्सल, 90 पिक्सल या ऑटो पे भी रख सकते हैं, अगर ऑटो कर देंगे तो जितना टेक्स्ट को रिक्वायर्ड होगा उतनी ही जगह ये उसको देगा, नहीं भी लिखेंगे तभी बाय डिफॉल्ट ऑटो पे। फिर आते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट का जो एट्रीब्यूट है, अगर मैं इस टेबल को जो है सेंटर में देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ सेंटर लिखूंगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, सिमिलरली अगर राइट करना है तो राइट कर दूंगा, और इस तरह से। उसके बाद आते हैं बीजी कलर का एक एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट को आप बार बार यूज कर सकते हैं। सपोज इस टेबल का कलर मैं क्या रखना चाहता हूँ, सपोज पिंक रखना चाहता हूँ, ये ग्रे रखना चाहता हूँ, तो ग्रे रख देता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर दूंगा तो ये ग्रे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं अगर इसको लाइट ग्रीन कर देता हूँ तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से नजर आएगा। एस बी जी कलर के एट्रीब्यूट को हम अख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हैं, सपोज टू बी टी आर के साथ भी यूज कर सकते हैं बी जी कलर, और यहाँ पे मैं इसको ग्रे कर देता हूँ तो ये देखें इसकी रो ग्रे हो जाएगी, इस तरीके से नजर आएगी। और किसी एक सेल पर भी पर्टिकुलरली लगा सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करके बी जी कलर लगा दूँ और यहाँ पे जाकर इसको पिंक कर दूँ तो यहाँ पे जाके इसका जो कलर है वो रिफ्रेश करने पर पिंक हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, याद रखें इसकी कमांड को, टेबल बेसिक एलिमेंट है इसका, उसके साथ जो ये एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, सेल स्पेसिंग, सेल के दरमियान गैप, सेल पैडिंग टेक्स्ट और सेल के दरमियान में गैप, विड्थ टेबल की विड्थ बताने के लिए, हाइट बताने के लिए, अलाइनमेंट बताने के लिए, और बैकग्राउंड कलर जिसको हम मतवातिर यूज कर सकते हैं रो के साथ भी, टीएच के साथ भी, और टीडी के साथ भी कई बार यूज कर सकते हैं, जिससे इसके कलर्स को हम चेंज ला सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारे एट्रीब्यूट यूज करें, आप नहीं भी यूज करेंगे सिर्फ टेबल लिखेंगे तो टेबल तो क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात ये।